आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में शुक्रवार को युद्धक विमान AN-32 से जंप के दौरान लांस नायक सुनील कुमार की मौत हो गई। 8000 फीट से जंप के दौरान सुनील का पैराशूट नहीं खुल पाया था। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने यूपी के चंदौली में पुलिस के साथ मिलकर कुख्यात नक्सली कृष्ण मुरारी पनिका उर्फ कुमकुम को गिरफ्तार किया है। कृष्ण मुरारी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर में सेक्शन कमांडर था। दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से 12 समुद्री मील की दूरी पर अपना युद्धक पोत तैनात किया है। चीन ने अमेरिका के इस कदम को राजनीतिक और सैन्य रूप से भड़काऊ करार दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की है। बोल्टन ने अपने बयान में कहा है कि परमाणु हथियारों से लैस भारत का पड़ोसी मुल्क आतंकी देश बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले 457 वीजा को खत्म कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले करीब 1/4 भारतीय प्रोफेशनल के पास 457 वीजा है। वीजा के लिए अब नियमों को और सख्त किया गया है।